हमारे हिमाचल में आपका स्वागत है। एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी को बहुमत मिलता देखकर बीजेपी के नेताओं में उत्साह वास्तविक नतीजों के आने से पहले ही देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि बीजेपी नेता अब खुलकर अपने विरोधियों को निशाने पर ले रहे हैं। और इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने ऊना में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान जमकर विरोधी नेताओं पर निशाना साधा और इस दौरान सतपाल सत्ती के निशाने पर सुखराम परिवार के साथ साथ कांग्रेस पार्टी और पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू रहे और इस दौरान उन्होंने सिद्धू और सुखराम परिवार के बार बार स्टैंड बदलने की खुलकर आलोचना की। और आपको बता दें कि साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को सिद्धू से पीछा छुड़ाने की नसीहत तक दे डाली उन्होंने। अनिल शर्मा जी और उनकी फैमिली ने जो निर्णय लिया वो चाहे चुनाव जीत भी जाते हैं, मैं उस निर्णय को बिल्कुल गलत मानता हूँ। आदमी का एक स्टैंड होता है, आदमी फिसलन वाला नहीं होता, आदमी वो ही होता जो एक जगह खड़ा रहता है। इसलिए उन्होंने जैसा टिकट कांग्रेस से लिया वो कांग्रेस के टिकट लेकर के भी जो सर्वे आ रहा है उसमें वो सीट हार रहे हैं और उसका गुस्सा अनिल शर्मा जी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर उतार रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जितनी मेहनत करनी थी की उन्होंने, ऐसा मैं मान सकता हूँ। लेकिन अनिल शर्मा जी और को क्या अधिकार है जो बोलने का कि कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया। मैं कांग्रेस की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा जो मानना है जिस व्यक्ति का स्टैंड ही नहीं है, जिस परिवार का स्टैंड ही नहीं है, वो परिवार कोई भी है उसके लिए किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता क्यों काम करे। इसलिए कांग्रेस के लोगों ने जितनी मेहनत करनी थी की है। मंडी की सीट हम लोग जीतेंगे तो नरेंद्र मोदी जी और जयराम जी की व्यक्तिगत जीत होगी। सिद्धू ने बीजेपी छोड़ करके मुझे लगता है उसने आत्महत्या की है। और सिद्धू जिस समय बीजेपी में होते थे तो बिल्कुल वो राष्ट्रवाद की बात करते थे, क्योंकि संस्कारों का परिणाम होता है आदमी के ऊपर। जहां आदमी खड़ा होता है वहां परिणाम होता है। अगर आदमी कहीं गलत जगह खड़ा है तो गलत बात करेगा, अगर अच्छी जगह खड़ा है तो अच्छी बात करेगा। सिद्धू कांग्रेस में जाकर के उन्होंने गलत निर्णय लिया और वहां जाकर के जिस तरह से वो उलझुल बातें पहले बीजेपी में रह करके बाद प्रकाश सिंह बादल जी के बारे में करते थे और मनमोहन सिंह जी के बारे में करते थे, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के बारे में करते थे, उससे उल्टा उन्होंने बिल्कुल यू टर्न लिया। वो उसी तरह की बातें वो नरेंद्र मोदी जी के बारे में, जब भारतीय जनता पार्टी के बारे में करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है वैसे, लेकिन कांग्रेस को जितनी जल्दी सिद्धू से पीछा छूट जाए तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।